नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीप और आप देख रहे हैं टेक रोजाना, जहां हम बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसे हम यूज करते हैं रोजाना। तो रियलमी के रियलमी 2 लॉन्च होने के बाद मुझे यकीन है कि आप में से काफी लोग रियलमी 2 प्रो का इंतजार कर रहे होंगे। तो मुझे बताइएगा ऊपर की इस पोल में कि क्या आप उस फोन का इंतजार कर रहे हैं या नहीं। तो रियलमी ने जो है रियलमी 2 प्रो के लिए हमें प्रेस इन्विटेशन भेजे हैं, जिसके अंदर उन्होंने 26 और 27 सितंबर दो डेट्स मेंशन की है। तो जनरली प्रेस इन्विटेशन एक ही दिन का होता है, पर ये है 2 दिन का। तो ये चीज़ मुझे पहले समझ में नहीं आई थी, लेकिन अभी रियलमी ने रिसेंटली एक वीडियो लॉन्च किया है अपने ब्रांड के बारे में, जिसके अंदर हमें 2 फोन देखने को मिल रहे हैं। एक फ़ोन देखने को मिल रहा है एक नॉच डिस्प्ले के साथ में, और जो दूसरा फ़ोन देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ में। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 दिन का प्रेस इन्विटेशन दिया गया है, उसका मतलब ये है कि रियलमी अब लॉन्च करने वाला है 2 नए फोन्स। एक हो सकता है रियलमी 2 प्रो और दूसरे का शायद नाम हो सकता है रियलमी 2 मैक्स। तो रियलमी 2 प्रो जो होगा ये हो सकता है एक नॉच डिस्प्ले वाला फ़ोन, एग्जैक्टली रियलमी 2 की तरह ही, लेकिन इसके अंदर हमें मिलेगा एक फुल HD डिस्प्ले और जो बॉटम चिन है वो भी थोड़ी कम हो सकती है। उसके अलावा हमें मिलेगा एक ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर, मे बी स्नैपड्रैगन का 600 सीरीज का प्रोसेसर हो सकता है, या फिर हो सकता है हीलियो P60। और उसके अलावा हमें सेम बैटरी मिल सकती है, कैमरा के अंदर हमें कुछ इंप्रूवमेंट मिल सकता है, मे बी 16+2 का कॉम्बो मिल सकता है, और फ्रंट के अंदर 8 की जगह 12 मेगापिक्सल या 13 मेगापिक्सल का कैमरा हमें मिल सकता है। वहीं बात करें रियलमी 2 मैक्स की, तो उसके अंदर पॉसिबल है हमें मिलेगा एक वाटर नॉच वाला डिस्प्ले, जिसका जो कि अगेन एक फुल HD प्लस डिस्प्ले होगा। और ये जो फ़ोन है ये बेसिकली हो सकता है एक रीब्रांडेड ओप्पो F9, F9 प्रो नहीं, ओप्पो F9, उसका एक रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है, जिसके अंदर हमें एक वाटर ड्रॉप वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, 3500 mAh की बैटरी, हीलियो P60 का चिपसेट, 16+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जबकि 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और बस, और एक पीछे वही ग्लास लुकिंग बैक, जिसके अंदर हमें कुछ ग्रेडियंट कलर्स मिल सकते हैं कुछ अलग तरह के पैटर्न्स के साथ में। तो इस तरीके का लुक हमें इन दोनों फोन्स के अंदर मिल सकता है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना है कि 26th और 27th क्या 2 फोन्स निकल के आते हैं या एक ही फ़ोन हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी अभी तक की खबर, और कोई अगर अपडेट आता है इस फोन के बारे में तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो जरूर से इसे लाइक कर देना, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया उसे दबा के जुड़ जाना हमारी टेक रोजाना फैमिली के साथ। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।